देवरिया जनपद में भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए खंड विकास अधिकारी सहित तीन पर मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि गौरी बाजार विकास खंड के बखरा खास गांव में सामुदायिक शौचालय की जांच कराई गई तो उसमें सरकारी धन का बंदरबांट और दुरुपयोग करने का मामला सामने आया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी देवरिया ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी संजय पांडे व ग्राम पंचायत सचिव एवं लघु सचिव लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता राम शरण पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस बाबत जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे संज्ञान में बखरा खास सामुदायिक शौचालय का मामला आया था, उसमें शिकायत आई थी कि बिना कार्य के ही पेमेंट भी हो चुका। इस विषय पर जांच की गई अधिकारियों के द्वारा तो पाया गया कि तत्कालीन खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी अवर अभियंता द्वारा सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है। इसी क्रम में एडीओ पंचायत अंबिका प्रसाद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया। टीवी इंडिया 18 के लिए देवरिया से ब्यूरो चीफ मोइन खान की रिपोर्ट। मेरे संज्ञान में ये विषय बखरा खास विकास खंड गौरी बाजार का लाया गया था कुछ लोगों के द्वारा कि सामुदायिक शौचालय जो 2020-21 में बनना था वो अभी अपूर्ण है और दुर्भाग्यजनक ये था कि उसमें पेमेंट भी हो गए। इस विषय में जांच की गई सीआरओ के द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा तो ये पाया गया कि वाकई तत्कालीन जो प्रशासक थे जो खंड विकास अधिकारी गौरी बाजार और पीडी थे उस समय संजय पांडे जो जेई थे जिन्होंने पैमाइश करी जो लघु सिंचाई से थे और जो ग्राम पंचायत जो सेक्रेटरी थे उनके द्वारा बिना कार्य पूरा कराए हुए गलत आख्या करके गलत सत्यापन करके सरकारी धन की बंदरबांट प्रथम दृष्टया की गई है। इस क्रम में एडीओ पंचायत अंबिका प्रसाद की ओर से थाना गौरी बाजार में कल FIR पंजीकृत कराई गई। तो सर अभी आपने जो निरीक्षण किया है गौशाला सड़कों का इस पर कभी कार्रवाई हुई सर? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि सभी अधिकारी फील्ड का भ्रमण करें। इसी क्रम में आज तहसील दिवस के दिवस पर मेरे द्वारा मझौली जो नगर पंचायत है उदलीराज इसमें गौशाला का निरीक्षण किया गया। उसमें भी अनेक कमियां दिखाई पड़ रही हैं जिसमें कि जो खड़ंजा लगना चाहिए वहां पर खड़ंजे के स्थान पर गोयम ईंटें लगी हैं जो कि खराब हो जाएंगी, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उसके अलावा जानवरों को भी सूखा चारा इत्यादि खिला रहे थे, उसके क्रम में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। जो सड़क का निरीक्षण किया आपने? और सड़क में ये सड़क जो करीब 9 किलोमीटर सड़क है जो कि सोगरा धाम को जाती है उसमें मार्च 21 में काम शुरू हुआ था, दिसंबर 21 में पूर्ण होना था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी 6 महीने और बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। परियोजना का बोर्ड भी नहीं लगाया गया क्योंकि PWD विभाग का स्टैंडर्ड मानक है कि कार्य प्रारंभ करने से पहले लगाना चाहिए। 6 महीने लेट होने के बाद भी इस ठेकेदार को सिर्फ नोटिस जारी करने का कोई ड्रामा जैसा किया गया है, कोई पेनल्टी वगैरह उन्होंने नहीं लगाई है। इसमें भी जो PWD के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए उनके अधिकारियों को आगे आख्या भी दी जा रही है।